What's up, everybody? Arshamesh Sees, and I'm back with another video. So guys, today we're back on Saraswati Motors. We have a new bike for you, an exclusive bike. जो बाइक अभी तक मैंने इसके जो स्टोरी डाली थी यूट्यूब पे उसके बाद आप लोगों ने बहुत बार पूछा था कि यार इस बाइक का वीडियो कब अपलोड होगा, बट इस वीडियो का जो इस बाइक का वीडियो तो पहले शूट हो चुका था बट वो मैंने डाला नहीं. आज हम फिर से इस बाइक का वीडियो शूट कर रहे हैं और ये वीडियो भी अमेजिंग होने वाला है हर वीडियो की तरह, क्योंकि ये बाइक है ही अलग, क्योंकि ये अभी तक मार्केट में ही नहीं है. शायद बिल्कुल नहीं है. दिस इज एक्सक्लूसिव ओनली एट सुपर बाइक्स फॉर सरस्वती मोटर्स इसी सिंह के पास आपको ये बाइक मिलेगी. इसके जैसी बाइक, इतना सामान इसमें लगा हुआ है और इसका प्राइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द प्राइस, कहीं नहीं मिलेगा आपको. दिस इज़ अनबीटेबल एंड दिस इज़ अ स्टील डील गाइस. एंड बहुत सारी क्वायरीज आ रही है मेरे पास ऑलरेडी, मेरे फेसबुक पेज पर मैंने डाली है इस बाइक को, बाइक के बारे में. तो सो मज़ा ही आने वाला है. गर्मी वैसे ही इतनी हो रही है और ये बाइक वैसे ही बहुत हॉट है दिखने में भी. एक्सेसरीज भी बहुत सारी है, हद से ज़्यादा एक्सेसरीज है. ये वीडियो लंबा होने वाला है तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा एंजॉय करना. तो पहले सिनेमैटिक एंजॉय करो. बिल्कुल. आई होप पहले आपको सिनेमैटिक्स पसंद आए होंगे इस बाइक के. मोर ओवर आज गर्मी बहुत है तो काइंडली बेयर विद मी, मेरे को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है. बट इस बाइक के बारे में एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, स्किप मत करना. बहुत सारी एक्सेसरीज है इस बाइक के अंदर, बहुत सारी एक्सेसरीज है. तो आइए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिहाइंड. पहले पीछे देखो, पैजो की इसके अंदर टेल आईडी लगी हुई है, इसके अंदर अपने नंबर प्लेट माउंट कर सकते हो. इंडिकेटर जिसके टेल इंटीग्रेटेड रहते हैं, टेल के अंदर इसके इंडिकेटर्स रहते हैं. जिक्सर है ये. मोर ओवर ये जो पीछे आप देख रहे हो, दिस ब्यूटीफुल थिंग इज़ अ रेसिंग काउल. आप इसको हटा के यहाँ पे सीट भी लगा सकते हो. सीट आपको मैं साथ में दूंगा. 1000 cc's, बिल्कुल सही. मोर ओवर ये नीचे देखेंगे आप, दिस इज़ द रियर टायर हगर. ये भी एक आफ्टर मार्केट एक्सेसरी लगी हुई है. और रेसफिट का एग्जॉस्ट, दिस इज़ फुल सिस्टम रेसफिट एग्जॉस्ट गाइस. ये एग्जॉस्ट ही लगभग 125,000 rupees का है. 1.25 lakhs वर्थ ऑफ एग्जॉस्ट ओनली. दिस इज 100% ओरिजिनल, ऑथेंटिक ओरिजिनल एग्जॉस्ट है रेसफिट का. मोर ओवर पीछे अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको पहले दिखेगा ये आपके हैं स्विंग आर्म प्रोटेक्टर्स. स्विंग आर्म प्रोटेक्टर्स के नीचे RNG के लगे हुए हैं स्पूल्स फॉर योर पैडॉक स्टैंड. आप इधर देखेंगे ध्यान से, दीज आर योर गाल्फर रोटर्स. ये रोटर्स जो हैं वो गाल्फर की तरफ से हैं विद ब्रेक पैच अगेन बाय गाल्फर. ये जो देख रहे हो आप, ये जो ब्रेक लाइन्स हैं ब्लू कलर की, दीज आर स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन्स. ये कन्वेंशनल ब्रेक लाइन्स जो थोड़े से रबर कंपाउंड की होती हैं, सिंथेटिक कंपाउंड की होती हैं, दीज आर मेड ऑफ स्टील. इससे क्या होती है, आपकी ब्रेक्स जो है, आपका ब्रेक का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है. रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी नाइस एंड स्पॉट ऑन ब्रेक्स होती है. आप पैडल दबाओगे, इंस्टेंट ब्रेक्स लगती हैं, आपको रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलता है, काफ़ी क्विक मिलता है. सो हेल की स्पीड ब्रेक लाइन जैसे मैंने आपको बताया, दीज आर वेरी नाइस ब्रेक लाइन, सबसे अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की हैं. आगे आप देखेंगे इसके अंदर एक क्रैंक केस कवर लगा हुआ है, ऑल्सो नोन एज इंजन गार्ड्स. मोर ओवर एक क्रैश गार्ड्स भी लगे हुए हैं इस बाइक के अंदर जस्ट के साथ ही में. थोड़ा सा ऊपर देखोगे, दीज आर योर एक्सटेंडेड बार एंड्स फॉर योर लिवर प्रोटेक्शन, आपके लिवर्स ना टूटे. लिवर्स भी इसके अंदर आफ्टर मार्केट एडजस्टेबल लिवर लगे हुए हैं, यू कैन एडजस्ट इट टिल द काउंट ऑफ 6. इज आर बाय वोटेक्स, ये वोटेक्स की हैंडलबार ग्रिप्स है. नीचे आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको देखते हैं अगेन, ये हैं आपके शॉकर प्रोटेक्टर्स, जो आपके फ्रंट शॉकर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं. ये फोक प्रोटेक्टर्स कहते हैं. तो कीको की ब्रेक्स के साथ आपको इधर भी आगे मिल जाएंगी. अगेन ये जो रोटर्स हैं, ये जो ब्रेक्स के रोटर्स आप देख रहे हो, दीज आर पेटल डिस्क रोटर्स बाय गाल्फर. ये रोटर्स क्या करते हैं, एट हाई स्पीड, ये ट्रैक मशीन बनी है, पूरी ट्रैक रेडी है, ये वेपन है ये ट्रैक का. तो हाई स्पीड पे क्या होता है, जब कॉन्स्टेंटली आप ब्रेक यूज़ करते हो, ये रोटर्स इतने गर्म हो जाते हैं कि आपकी ब्रेक्स फेड हो जाती हैं. फेड मतलब ब्रेक्स ऑलमोस्ट फेल हो जाती हैं. आप लीवर प्रेस करते हो, प्रेस होता भी है लेकिन ब्रेक्स नहीं लगती हैं. तो ये जो आफ्टर मार्केट रोटर्स होते हैं, ये जो पेटल डिस्क होती हैं, ये जो बीच में कट्स आप देख रहे हो, ये जो कट्स हैं, दीज मेक श्योर कि आपकी डिस्क जितनी जल्दी गर्म हो रही है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाए.
तो जैसे जैसे चलती रहती है बाइक डिस्क ब्रेक के साथ साथ ठंडी भी होती रहती है, सो दैट आपकी जो ब्रेक्स हैं वो इतनी आसानी से फेड ना हो। दीज कम्स इन हैंडी जब आप ट्रैक पे होते हो तो आपको ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी लगती है। और ये चीज़ें सही मायने में दिस इज़ अ वेरी नाइस अपग्रेड। ये ब्रेक्स जो है जितनी पावरफुल हैं, भगाना बहुत आसान है, रोकना सबसे मुश्किल है। तो ये वही चीज़ है। मोर ओवर आगे आप देखेंगे मिशेलिन रोड पायलट 4 टायर लगा हुआ है, दिस इज एन ऑल वेदर टायर, आपको इसके अंदर वेट ग्रिप भी काफ़ी अच्छी मिलती है। अगर उधर आते हैं बाइक के आगे तो पहले ये देखिए, पहले इसके अंदर एक वाइज़र लगा हुआ है, जैसे डबल बबल वाइज़र, आपको जीरो ग्रेविटी का एक और वाइज़र साथ में मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शंस हैं, इफ़ यू आर टॉल राइडर आपको टॉल विंडस्क्रीन चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी, मेरे पास अंदर पड़ी हुई है, आई विल गिव यू अलॉन्ग विद द बाइक एट नो एडिशनल कॉस्ट। मोर ओवर यहाँ पे भी अगेन आपको वही आफ्टर मार्केट लीवर्स मिल जाते हैं, एडजस्टेबल रैंक केस प्रोटेक्टर्स ओवर हेयर, छोटी मोटी लीवर सॉक्स लगी हुई हैं। और ये जो चीज़ देख रहे हो आप, ये छोटा सा सेंसर लगा हुआ है, ये दिस इज़ द कनेक्टिंग रॉड विच कनेक्ट्स योर गियर लीवर टू योर ट्रांसमिशन। इस कनेक्टिंग रॉड में लगा हुआ है क्विक शिफ्टर, दिस क्विक शिफ्टर कम्स इन हैंडी जब आप बाइक भगाते हो बिना क्लच पकड़े, आप इसको बस ऊपर 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 करते जाओ एंड दिस बाइक विल बी अ रॉकेट, ये टेक ऑफ कर जाएगी लिटरली। क्विक शिफ्टर का काम यही होता है, स्पीड क्या जाती होगी इस बाइक की, आपने कितनी भगाई? मैंने कुछ भी नहीं चलाई यार अभी तक फिलहाल, मैं इतनी बाइक्स नहीं भगाता हूँ। ये बाइक आराम से 299 का एक इलेक्ट्रॉनिकली स्पीड लिमिट होती है, स्पीडोमीटर उससे ज़्यादा नहीं जाता बट बाइक्स ज़रूर जाती हैं, तो 299 इज़ अ पीस ऑफ केक, इट्स एन ईजी गेम फॉर दिस बाइक। तो क्विक शिफ्टर से क्या होता है, विदाउट यूजिंग द क्लच, बिना क्लच पकड़े आप क्लच को छोड़ के रखो, रेस दे के रखो और 1 2 3 4 5 6 दिस थिंग गोज लाइक एनीथिंग, दिस इज इनसेन। मोर ओवर अगेन पीछे आप देखेंगे इसके अंदर नीचे आपके स्पूल्स लगे हुए हैं विद योर स्विंग आर्म प्रोटेक्टर्स, साथ में इसके पीछे जो आप स्प्रॉकेट देख रहे हो ये भी जो है स्प्रॉकेट आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, आपको स्टॉक स्प्रॉकेट साथ में मिलेगा। अगेन पीछे का टायर देखिए आप, दिस इज़ मिशेलिन रोड पायलट 4, बिल्कुल नया टायर है, इसके ग्रूव्स अभी तक नहीं हटे हैं, ये जो आप देख रहे हो ग्रूव्स लगे हुए हैं, हार्डली 500-600 किलोमीटर चला हुआ है टायर एंड बाइक की कंडीशन आप लोगों के सामने है ही है। ये थी इसके सारे कॉस्मेटिक मोड्स के बारे में, अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस मोड्स के बारे में, जिसमें परफॉर्मेंस के अंदर क्या क्या है। लेट्स ओपन दिस काउलर, चाबी ना लगाओ सो घुमाओ, काउल इज आउट। अब इस बाइक के अंदर जो लगा हुआ है, दिस इज योर डायनोजेट पावर कमांडो 5 फ्यूल इंजेक्शन मॉड्यूल, इसको बोलते हैं PC5 अगर शॉर्ट की बात करी जाए। इस PC5 को आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके, देयर इज अ कनेक्टिंग पोर्ट ओवर हियर, लैपटॉप से कनेक्ट, हाँ एग्जैक्टली, अपने लैपटॉप से आप कनेक्ट करके यू कैन लोड इन, जी यू कैन लोड इन एनी मैप, विच एवर मैप यू वॉन्ट टू। आप अभी इसमें रेसफिट का मैप डाला हुआ है, दिस इज वेरी अग्रेसिवली ट्यून्ड। मोर ओवर अगर आपको मैपिंग नहीं पसंद है तो इसके अंदर लगा हुआ है डायनोजेट का ही ऑटो ट्यून। ये ऑटो ट्यून क्या करता है, आपकी राइडिंग स्टाइल के हिसाब से आप ही एवरी टाइम व्हेन यू स्टार्ट द बाइक, ये खुद एक मैप बनाता है, खुद बाइक की ट्यूनिंग करता है, जिससे क्या होता है आपको ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार अपनी बाइक को लैपटॉप से कनेक्ट करने की। दिस ऑटो ट्यून हेल्प्स यू टू क्रिएट अ गुड मैप फॉर यू एंड एक पर्सनलाइज मैप हमेशा बनता है जब भी आप बाइक स्टार्ट करते हो, तो ऑटो ट्यूनर कम्स इन वेरी हैंडी। जो लोग कभी ट्रैक पर चलाना चाहते हैं या कभी रोड पे भी चलाना चाहते हैं, एक स्ट्रीट लाइफ में भी अगर चलाते हो बाइक, तो ऑटो ट्यूनर कम्स इन वेरी हैंडी। हील टेक का क्विक शिफ्टर लगा हुआ है जैसे मैंने आपको बताया, उस क्विक शिफ्टर को आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर ब्लूटूथ, और हील शिफ्ट उसकी एक एप्लीकेशन भी आती है, मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ द ऐप IQ Easy के नाम से ऐप है, यू ओपन दिस ऐप, ये हील टेक लिखा आ रहा है। अब इससे आप अपनी बाइक को कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, चाबी अंदर डाली, बाइक स्टार्ट कर दी, IQ SC 26 आ रहा है और ये डेटा सिंक होने लग गया है। अभी इंजन स्पीड ये दिखा रहा है 0 जैसा कि आप देख सकते हो, सो लेट्स फायर अप द बाइक एंड आपको मैं दिखाता हूँ ये आप कैसे चलती है। आप अपनी बाइक को इस ऐप के हिसाब से अपने हिसाब से इससे
किल स्विच बंद हुआ है तो इसका जो कनेक्शन है वो हट गया है, सी सारी वैल्यूज है वो रीसेट हो गई है। दोबारा किल स्विच ऑन करूँगा तो फिर से रेंज में आ जाएगा। अगेन यू विल सी इंजन आर पी एम स्पीड विज सी दिस इज ऑल। तो भाई साहब एक बार आवाज़ सुनाते हैं आपको बाइक की। बिल्कुल प्राइस से पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आप लोगों से, नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने रिव्यूज़ देना कि आपको ये बाइक कैसी लगी, आपको इसकी आवाज़ कैसी लगी जो अभी चलाई थी शिवम ने, आपको वो भी कैसा लगा। तो डू शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स, आप इतना सारा प्यार देते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही प्यार देते रहो, मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहूँगा। एंड डू शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स, मैं फिर से कहूँगा। एंड रही बात इस बाइक की, ये 2011 मैन्युफैक्चर्ड एंड 11 रजिस्टर्ड है, गुवाहाटी का नंबर है, गुवाहाटी रजिस्टर्ड बाइक है, कम्प्लीटली लीगल, एवरी डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल। आपको अगर NOC भी चाहिए फॉर एनी स्टेट, आपको NOC भी मिल जाएगी इस बाइक की। इस बाइक की रही बात प्राइस की, जो इसका हमने प्राइस एक्सपेक्टेड रखा हुआ है दैट इज़ 8.75 लाख ओनली। बिल्कुल सही, नेगोशिएबल, एग्जैक्टली 8,75,000 भी नेगोशिएबल है। आप आइए बैठ के बात करते हैं, आई विल गिव यू अ वेरी गुड डील ओवर दिस बाइक। इतनी लोडेड बाइक, इतना सामान लगी हुई, जिक्सर वो भी GSXR 1000 शायद ही आपको कहीं मिले। सो गाइस हरी अप, कम ओवर एट सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स। तो नाम भी बदल चुका है, एग्जैक्टली नाउ वी आर रीनेमिंग आवर शॉप बाय द नेम ऑफ सुपर बाइक्स एम्पोरियो। आप नीचे कमेंट्स देके बताना इज इट अ गुड नेम और नॉट, अगर आप कहोगे अच्छा है तो फिर वील फाइनलाइज दिस थिंग, एल्सवेयर वील चेंज आवर नेम। सो एक नया शॉप भी हम ले रहे हैं, नया शोरूम भी हम खोल रहे हैं अपना, दिस इज ऑल आवर्स, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। पीछे पास में ही है, गली में ही है, एंड वी आर मेकिंग आर ओन ऑफिस ओवर देयर। एंड ये तो दुकान है ही है हमारी, पीछे एक और बाइक स्टार्ट हो गई है। अगर उस बाइक का भी ब्लॉग देखना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट करके बताओ, उसका भी शूट करेंगे ओनली फॉर यू गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको जिक्सर पसंद आई होगी, एंड लेट्स डू इट। तो होप यू लाइक द वीडियो। ये जो बाइक का जो हमने पूरा रिव्यू दिखाया आपको, आवाज़ सुनाई, होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना शेयर करना भूल जाते हो, शेयर नहीं करते वीडियो, और यार व्यूज़ तो आ जाते हैं बट लाइक करना ही भूल जाते हो, तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। अगर आपको बाइक पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो एक लाइक तो बनता है। डू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स ऑल्सो, लाइक करना वीडियो को, शेयर करना मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स भाई के चैनल को, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इतनी गर्मी में आया था, मेरे भी पसीने, मेरी थोड़ी सी शर्ट भी ऊपर इंस्टाग्राम आ रहे होंगे। एग्जैक्टली इंस्टाग्राम पे मेरा भी इंस्टाग्राम है, इफ़ यू वांट टू लुक आफ्टर ऑल दी स्टोरीज, मैं रोज़ डालता रहता हूँ बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरीज, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो बाय द नेम ऑफ यूजर नेम आई एम जसनीत, एंड फॉलो कर लेना, मैं भी डाल देता हूँ इनकी स्टोरी। बिल्कुल। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, दिस इज जसनीत सिंह फ्रॉम सुपर बाइक एम्पोरियो एंड अर्जुन यूट्यूब। सॉरी भाई, अब जोन सी भी आपको नेक्स्ट बाइक देखनी है कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई सी भी वीडियो देखनी है फैशन स्टाइलिंग को लेके, शूज़ को लेके, कार्स को लेके, ज़रूर बताओ, मैं ट्राई करूँगा हर चीज़ बनाने की। ओके टिल देन बाय, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, सी यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए शोरूम के साथ, नई दुकान के साथ, हर चीज़ नई लेके आएंगे। बिल्कुल।